हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर तक कवर किया वो होल सर्किल बियरिंग एंड क्वाड्रेंटल बियरिंग का बेसिक कंसेप्ट यानी डिजाइनेशन ऑफ बियरिंग सिस्टम के बारे में कंप्लीट किया। आज मैं उसी एक बियरिंग से दूसरे बियरिंग में चेंज कैसे करेंगे उसकी कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे, यानी होल सर्किल बियरिंग से क्वाड्रेंटल बियरिंग एंड क्वाड्रेंटल बियरिंग से होल सर्किल बियरिंग में कैसे हम लोग चेंज करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। उसके पहले मैं 2 मिनट में प्रीवियस वीडियो लेक्चर का कंसेप्ट क्लियर करते हैं जो यहाँ पे ज़्यादा यूज आने वाला है। तो बड़े ध्यान से वीडियो को अंत तक देखेंगे और उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को ये सवाल होना चाहिए कि सर, आप जो सर्वे लाइन अगर फील्ड में जब जाएंगे, सर्वे लाइन कहाँ पर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा कि किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो आप लोग को जवाब हमेशा हमेशा के लिए यही आना चाहिए कि जब कभी भी अगर आप फील्ड में वर्क करने जाओगे तो आपकी सर्वे लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, सेकंड में भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है और फोर्थ में भी आ सकता है। इसका मतलब आपकी ये है कि जब कभी भी अगर आप फील्ड वर्क करने जाओगे तो आपकी सर्वे वर्क यानी सर्वे लाइन जो होगा वो कहीं पे भी किसी क्वाड्रेंट में आ सकता है। इस बात को आप लोग बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब कभी भी अगर आप फील्ड वर्क कर रहे होते तो आपकी सर्वे लाइन कहीं पे भी फील्ड में किसी क्वाड्रेंट में आ सकता है। इतना बात हो गया होगा आप लोग को क्लियर, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये सीखा था कि होल सर्किल बियरिंग में, होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में हम लोग ये सीखा था कि होल सर्किल बियरिंग में किसी भी सर्वे लाइन का बियरिंग मेजरमेंट कर रहे थे। तो होल सर्किल बियरिंग में हम लोग सर्वे लाइन का बियरिंग मेजरमेंट कर रहे थे तो उसमें 3 बात ध्यान में रखना हो रहा था। पहला तो नॉर्थ पोल, दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन और तीसरा सर्वे लाइन। चीजों को समझिए, जब कभी भी नॉर्थ पोल नहीं, इसको मेरिडियन बोलिए, नॉर्थ मेरिडियन। मेरिडियन किसको बोल रहे थे बुआ? कल के क्लास तक हम लोग यही सीखे थे, यानी प्रीवियस क्लास तक यही सीखे थे। मेरिडियन कहने का मतलब होता है रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन कहने का मतलब जहां जिस लाइन से हम लोग सर्वे लाइन का मेजरमेंट लेंगे बियरिंग का। देखिए, तो अगर बात किया जाए तो ये वाला आपकी कौन सा लाइन है? नॉर्थ लाइन है। ये वाला लाइन आपकी कौन सी लाइन है? नॉर्थ लाइन है। तो ये नॉर्थ लाइन कैसा काम करेगा? एज ए मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब एक ही बात दिमाग में गूंजना चाहिए, रेफरेंस लाइन। मेरिडियन का मतलब होना चाहिए क्या? रेफरेंस लाइन, ठीक है ना। तो बड़े आराम से हम लोग WCB में हम किसी भी सर्वे लाइन का एंगल को मेजरमेंट कर रहे होते तो हमको एक ही बात ध्यान में रखना होता कि नॉर्थ पोल से क्लॉकवाइज मूव करते हुए सर्वे लाइन तक जाना है। नॉर्थ पोल से क्लॉकवाइज मूव करते हुए सर्वे लाइन तक जाना है। नॉर्थ पोल से क्लॉकवाइज मूव करते हुए कहाँ तक जाना है? सर्वे लाइन तक जाना है। कब तक जाना है? जब तक सर्वे लाइन मिल ना जाए। देखिए, अगर हम नॉर्थ पोल से मूव क्लॉकवाइज करते हुए हम सर्वे लाइन तक गए और यहाँ से एंगल मेजरमेंट किए, बियरिंग मेजरमेंट किए और बोल दिए कि ये बियरिंग θ1 है, तो अगर बोलेंगे इन WCB सिस्टम, होल सर्किल बियरिंग सिस्टम यही सीखे थे, बियरिंग ऑफ लाइन OA को अगर बोल दिया θ1, तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में सर्वे लाइन का रिप्रेजेंटेशन। क्या चीज का रिप्रेजेंटेशन? सर्वे लाइन का रिप्रेजेंटेशन होल सर्किल बियरिंग में। अगर बात की जाए यहाँ पे, तो होल सर्किल बियरिंग में एक ही बात ध्यान रखना होता है कि नॉर्थ को रेफरेंस लेते हुए क्लॉकवाइज मूव करते हुए सर्वे लाइन तक पहुँचना है और पहुँचने के बाद हमारा मेजरमेंट आया θ2। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन डब्ल्यू सी बी सिस्टम में अगर वो बियरिंग ऑफ
बियरिंग ऑफ लाइन, बियरिंग ऑफ लाइन बोलिए कौन लाइन, ओ ए लाइन, कितना हो जाएगा थीटा टू। यहां अगर बात किया जाए, देखिए तो नॉर्थ को रेफरेंस लेते हुए सर्वे लाइन तक पहुंच रहे थे, अगर सर्वे लाइन तक पहुंच रहे थे तो कुछ थीटा का मैग्नीट्यूड भी हो रहा था। तो इन डब्ल्यूसीबी में अगर बात किया जाए तो एक ही बात हम लोग को गूंजना चाहिए कि नॉर्थ को रेफरेंस लेते हुए क्लॉकवाइज मूव करते हुए सर्वे लाइन तक पहुंचना है। तो इन डब्ल्यूसीबी सिस्टम में लिखेंगे बियरिंग ऑफ, बियरिंग ऑफ लाइन OA इज इक्वल टू थीटा थ्री। इसी तरह से अगर बात किया जाए नॉर्थ को रेफरेंस लेते हुए सर्वे लाइन तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करनी है, तो ऐसा किया तो हमारा आया थीटा फोर। तो समझने की कोशिश कीजिए, लिखेंगे इन डब्ल्यू सी बी सिस्टम, इन डब्ल्यू सी बी सिस्टम, डब्ल्यू सी बी मतलब होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में अगर बात किया जाए बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, क्या लिखेंगे बॉ, बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। अगर ए बी लाइन की अगर बियरिंग की बात अपन कर रहा है तो ए बी लाइन का बियरिंग नहीं, ओ ए लाइन, ओ ए सर्वे लाइन है, ओ ए लाइन का जो बियरिंग होगा वो होगा थीटा फोर। उम्मीद है कि होल सर्किल बियरिंग में हम लोग बियरिंग को मेजरमेंट करने में कतई दिक्कत नहीं करेंगे, ठीक है। एक कंसेप्ट और था कि हम लोग होल सर्किल बियरिंग ना करके हम लोग थे इंजीनियर, और इंजीनियर होता है कि इतना लंबा क्यों घूमे, हमारा जिधर से नज़दीक पड़े उधर ही से मेजरमेंट कर लें। तो जिधर से नज़दीक पड़ा था उधर से ही मेजरमेंट कर रहे थे, तो उस सिस्टम को बोल रहे थे क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में क्या कर रहे थे, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में आप लोग को ध्यान में रखना होता था, कौन सी बात ध्यान में रखना होता था, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं, दिखाई पड़ेगा। क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में हम लोग को ध्यान रखना था कौन सी बात, तो पहला बात ये ध्यान रखना था कि नॉर्थ और साउथ पोल का रेफरेंस लेते थे, नॉर्थ और साउथ पोल यानी नॉर्थ मेरिडियन और साउथ मेरिडियन का हम लोग क्या लेते थे, रेफरेंस लेते थे, और दोनों में जो नज़दीक मिलता था बीच, बीच इवर इज नियरर, बीच, बीच इवर इज नियरर, जो दोनों में से नज़दीक पड़ रहा था सर्वे लाइन से उसी से हम लोग रेफरेंस लेके मान रहे थे। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में हम लोग भी नॉर्थ और साउथ दोनों को ले रहे थे, जबकि होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में सिर्फ नॉर्थ का रेफरेंस ले रहे थे। तो अगर इसमें बात किया जाए तो नज़दीक तो हमारा नॉर्थ से ही पड़ेगा, अगर इसमें बात किया जाए तो नज़दीक हमारा कहाँ से पड़ेगा, साउथ से पड़ेगा। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो भी नज़दीक कहाँ से पड़ेगा, साउथ से पड़ेगा। यहाँ अगर बात किया जाए तो यहाँ पे नज़दीक कहाँ से पड़ेगा, तो बोला कि नॉर्थ से पड़ेगा। देखिए बड़ा आराम से इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा कि नॉर्थ से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारा सर्वे लाइन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे साउथ से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तब हमारा सर्वे लाइन मिल रहा है, यहाँ पे साउथ से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सर्वे लाइन मिल रहा है, नॉर्थ से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमको सर्वे लाइन मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज भी जा रहे हैं और नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज भी जा रहे हैं, साउथ से एंटी क्लॉकवाइज भी जा रहे हैं, साउथ से क्लॉकवाइज भी जा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम रहा तो नॉर्थ और साउथ दोनों को रेफरेंस लेंगे, और दूसरी बात क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही डायरेक्शन में मूव करेंगे जिधर से हमारा नज़दीक पड़े। इसका मतलब इस आलसी टाइप के क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम होता है, यानी वह इंजीनियर टाइप के होता है, इंजीनियर सबसे बड़ा आलसी होता है। तो उम्मीद है कि हम लोग को यहाँ तक ये रिकॉल कर दिया कि होल सर्किल बियरिंग एंड क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में जो प्रीवियस क्लास में जो कंटिन्यू किया था उसको हम लोग सीख लिया था। यहाँ तक ये भी सीखा था क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम को बोल रहे थे रिड्यूस बियरिंग,
क्या बोल रहे थे, रिड्यूस बियरिंग सिस्टम। थोड़ा सा क्या होता है, लास्ट में बोलते बोलते थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर गया था कि क्वाड्रेंटल बियरिंग को होल सर्किल बियरिंग बोल दिए थे गलती से, ठीक है ना, बट क्वाड्रेंटल बियरिंग को आरबी कर रहे थे, रिड्यूस बियरिंग सिस्टम कर रहे थे। तो वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग बात, हालांकि पहले पूरा कंसेप्ट को क्लियर किया गया, ठीक है। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे, बेसिक कन्वर्जन ऑफ होल सर्किल बियरिंग टू क्वाड्रेंटल बियरिंग एंड क्वाड्रेंटल बियरिंग टू होल सर्किल बियरिंग। पहले तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। अगर बात किया जाए यहाँ पे कि अगर इन क्यूबी सिस्टम, इन किसमें, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में, अगर बियरिंग ऑफ लाइन अगर ओए की बात कहा जाए, देखो तो नॉर्थ से मूव करते हुए थीटा एंगल पर, नॉर्थ से मूव करते हुए थीटा एंगल पर जाते हुए ईस्ट की ओर जाते हैं, तो ये जो आपकी रिप्रेजेंटेशन हुई क्वाड्रेंटल बियरिंग में हुई। यहां पे अगर बात की बियरिंग ऑफ लाइन ओए के बात किया जाए किस सिस्टम में, तो इन क्यूबी सिस्टम में बात किया जाए तो लिखेंगे ये देखिए, अगर थीटा टू की बात किया जाए तो यहां पर देखिए एस से होते हुए ईस्ट की ओर जा रहे हैं, लिखेंगे एस थीटा टू ईस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो एस से होते हुए अगर बियरिंग ऑफ लाइन की बात किया जाए, ओए की बात किया जाए, बियरिंग ऑफ लाइन ओए, तो ये होगा एस से थीटा थ्री मूव करते हुए हम लोग वेस्ट की ओर जा रहे हैं। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो लिखेंगे नॉर्थ से थीटा फोर मूव करते हुए वेस्ट की ओर जा रहे हैं। देखिए बड़ा आराम से समझने की कोशिश कीजिए, ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, तो बोले कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। बात ये आती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक होगी, तो बोलना ये आता है कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का वैल्यू होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बात किया जाए तो बोलेंगे 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक वैल्यू होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बात किया जाए तो 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक होती है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बात किया जाए तो 270 से लेकर के 360 डिग्री तक होती है। देखिए बहुत लोग यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर मैथमेटिक्स में क्वाड्रेंट हम लोग ऐसे देखा था, यानी एंटी क्लॉकवाइज देखा था, आप सर्वे में क्लॉकवाइज क्यों क्वाड्रेंट को कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, यही बात करना है कि हम लोग सर्वे में क्वाड्रेंट को क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे ताकि आने वाला जितने भी न्यूमेरिकल हो दिक्कत ना हो, और जितने भी हम लोग बियरिंग सिस्टम यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे सब के सब कोशिश ये करेंगे कि अगर होल सर्किल बियरिंग में हो तो क्वाड्रेंट क्लॉकवाइज लेंगे, और अगर होल सर्किल बियरिंग ना हो तो एज अ रेफरेंस जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर वाला रेफरेंस से हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को बेसिक कंसेप्ट है जिसको आप लोग को याद रखना होगा, और आप लोग की पॉइंट के तौर पर इसको भी आप लोग हैंडल कर सकते हैं, छाप सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इतना बात हम लोग को समझ आया, तो अभी जो हम लोग बात करते हैं, थोड़ी सी वीडियो को पॉज करते हैं और लिखते हैं कन्वर्जन ऑफ, अब जो हम लोग सीखने की बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ बियरिंग सिस्टम, उसमें पहला कन्वर्जन बड़े प्रेम से सीखेंगे, होल सर्किल बियरिंग से क्वाड्रेंटल बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और ये एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आप लोग को दिया हुआ है बियरिंग ऑफ एनी लाइन इन WCB सिस्टम। WCB सिस्टम में आपकी लाइन का बियरिंग दे रखा, कितना कितना दे रखा है, 20 डिग्री 30 मिनट। अगला दे रखा है आपको 150 डिग्री 15 मिनट। अगला आपको दे रखा है 210 डिग्री 30 मिनट। अगला दे रखा है 330 डिग्री 60 मिनट।
ये जो आपको दे रखा है डब्ल्यू सी बी में दे रखा है, और आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्या होगा, यही बियरिंग का, यही बियरिंग क्वाड्रेंटल बियरिंग में कितना होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए, जब होल सर्किल बियरिंग से क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करने के लिए आए, और इस क्वेश्चन को पहली बार पढ़ रहे हैं, इस टाइप के कन्वर्जन को आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए आपके पास फिगर का बनाना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। इसीलिए हमने चार फिगर ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। चार फिगर कुछ इस तरह से है, और चारों फिगर आपको दिमाग में रन करना ही चाहिए, और रन कर भी रहा होगा। दिखाई पड़ रहा नहीं? चीज को समझने की कोशिश आप लोग पूरा कीजिए कि यहाँ पे होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में बियरिंग दे रखा है, इसका मतलब होल सर्किल बियरिंग में कोई भी एंगल का मेजरमेंट नॉर्थ को रेफरेंस लेते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो बताइए कि यहाँ पे ये वाला नॉर्थ का रेफरेंस लेते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, और कितना डिग्री मूव किया, 20 डिग्री 30 मिनट मूव किया, तो हमारा सर्वे लाइन मिल गया, हम लोग को सर्वे लाइन तक पहुंच गए। तो ये वाला बियरिंग जो हुआ आपकी 20 डिग्री 30 मिनट हुआ, और ये बियरिंग किस में हुआ, तो डब्ल्यू सी बी सिस्टम में हुई। अब इसको डब्ल्यू सी बी सिस्टम को यहाँ पे फिगर में कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, तो सेम प्रोसीजर है, नॉर्थ को रेफरेंस लेते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 150 डिग्री 15 मिनट मूव कीजिए। 150 डिग्री ये वाला जो वैल्यू आएगा, 150 डिग्री 15 मिनट। 210 डिग्री 30 मिनट है कैसे, तो फिर से वही घिसा पीटा हिस्ट्री है, 210 डिग्री 30 मिनट, यानी 210 डिग्री 30 मिनट वाली लाइन ये वाला होगी। तो 210 डिग्री 30 मिनट, 210 डिग्री 30 मिनट, ठीक है ना। आगे की बात कहा जाए 330 डिग्री 60 मिनट, तो फिर से वही इतिहास, नॉर्थ को रेफरेंस लेते हुए 330 डिग्री पर मूव कर जाना, ये वाला लाइन होगी, यानी ये ओ और ये यानी यहाँ से ये हो जाएगी 330 डिग्री 60 मिनट। दिखाई पड़ रहा नहीं? दिखाई पड़ेगा, 330 डिग्री 60 मिनट, दिखाई पड़ रहा, दिखाई पड़ना चाहिए, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए कि ये वाला एंगल आपको पता है, ये वाला बियरिंग आपको पता है, और ये बियरिंग आपकी होल सर्किल बियरिंग में था, लेकिन क्या आपकी होल सर्किल बियरिंग में पूछ रहा है या क्वाड्रेंटल में पूछ रहा है, तो जवाब ये आना चाहिए कि सर आपसे क्वाड्रेंटल बियरिंग में पूछा, होल सर्किल बियरिंग तो दिया ही है, इसका मतलब क्वाड्रेंटल बियरिंग में हमको इसको हर हाल में चेंज करना होगा। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में चेंज करने के लिए बहुत आसान सा कंसेप्ट पढ़े थे कि सर्वे लाइन किस रेफरेंस लाइन से, यानी किस मेरिडियन से नजदीक पड़ रहा है, उधर ही मूव करो, चाहे क्लॉकवाइज मूव करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, मतलब नजदीक से मतलब है, क्वाड्रेंटल बियरिंग में नजदीक से मतलब है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए इस सर्वे लाइन का नजदीक किधर से होगा, साउथ से नजदीक होगा कि नॉर्थ से नजदीक होगा, तो आपको जवाब आना चाहिए कि सर नॉर्थ से नजदीक होगा। इसका मतलब आपको ये वाला वैल्यू अमाउंट ऑफ एंगल को कैलकुलेट करना है क्यों भी में। अगर ये वाला सर्वे लाइन है तो इस सर्वे लाइन को हमको किधर से कैलकुलेट करना है, नॉर्थ से कैलकुलेट करना है कि साउथ से कैलकुलेट करना है, तो सर यहाँ तो साउथ से नज़दीक पड़ रहा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब आपको ये वाला एंगल पता करना है। यहाँ पे जवाब आनी चाहिए कि सर यहाँ पे आपकी सर्वे लाइन ये वाला है तो इसकी किधर से नज़दीक पड़ रही है, यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है कि साउथ से नज़दीक पड़ रहा है, तो जवाब आना चाहिए कि सर साउथ से नजदीक पड़ रहा है,
इसका मतलब आपको ये वाला एंगल पूछ रहा है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये किधर से नज़दीक पड़ रहा है, तो बोला कि 9 से नज़दीक पड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये वाला पूछ रहा है। इसका मतलब जितने भी ब्लू वाला क्वेश्चन मार्क लिखा गया वही चीज़ आपको कैलकुलेट करना है, और ये कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सिंपल ज्योमेट्री फंडा है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर ये वाला एंगल को निकालना है, और यहाँ पे निकालने के लिए बहुत आसान सा कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे एज इट इज तो होगा, जितना अमाउंट ऑफ एंगल है वही तो वो भी है, ब्लू वाला और ब्लैक वाला दोनों बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 20 डिग्री 30 मिनट ही रहेगा। यहाँ पे अगर ये वाला ब्लू वाला लाइन कैलकुलेट करना है तो बड़ा आसान सा हम कॉन्सेप्ट सोचने के लिए बताते हैं कि अगर ये लाइन है तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा और ये वाला 150 डिग्री 15 मिनट घटा देंगे तो हमारा ये वाला बच जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, 180 डिग्री में, 180 डिग्री में से हमको 150 डिग्री यानी 150 डिग्री 15 मिनट को घटा देना है। जैसे ही इतना घटाएंगे तो जो हमारा जवाब आएगा, आंसर आएगा, वो आएगा 29 डिग्री 45 मिनट आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कैलसी में रखिएगा, आपके आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये वाला एंगल निकालना है, तो देखिए तो 210 डिग्री पूरा यहाँ से यहाँ तक है, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है, तो वो 180 डिग्री अगर 210 डिग्री से घटा देंगे तो हमारा ये भाट वाला निकल जाएगा। इसका मतलब हम बोलेंगे कि 210 डिग्री में अगर 180 डिग्री 210 डिग्री 30 मिनट में 210 डिग्री अगर 30 मिनट में अगर 180 डिग्री घटा दिया जाए, अगर 180 डिग्री घटा दिया जाए तो हमारा जो बचने वाला है वो बचेगा कितना, बचेगा 30 डिग्री 30 मिनट, 30 डिग्री 30 मिनट बचेगा। अगर यहाँ पे बात किया जाए ये 300 ये ब्लू लाइन को निकालना है, तो अगर पूरा एक बार सरकमफेरेंस ले लेगा, अगर एक बार पूरी तरह से घूम जाएगा तो 360 डिग्री होगा। अगर 360 डिग्री में से अगर ये वाला घटा देंगे तो हमारा ये वाला वैल्यू बच जाएगा। इसका मतलब हमको हर हाल में 360 डिग्री में से 330 डिग्री 60 मिनट को घटाना है। 60 मिनट नहीं लिखिए, 60 मिनट तो फिर एक सेकेंड एक डिग्री ही बन जाएगा, इसको लिख दीजिए 45 मिनट, ठीक है ना। इसको लिख दीजिए कितना, 45 मिनट, ठीक है ना। तो हमारा ये फिर बन जाएगा क्या, 29 डिग्री 15 मिनट। देखिए यहाँ पे गेस करने वाली बात ये है, यहाँ पे जो गेस करने वाली बात ये है कि अगर ये भाट वाला को अगर थीटा रखें तो ये सिर्फ थीटा ही रहेगा। अगर यहाँ पे ऐसा जनरल फॉर्मूला 180 डिग्री माइनस, अगर ये वाला को थीटा बोले कुछ समय के लिए, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो गया। अगर यहाँ पे अगर इसको कुछ देर के लिए थीटा माने तो यहाँ पे हो जाएगा, तो थीटा माइनस 180 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे कुछ देर के लिए अगर इसको थीटा माने तो यहाँ पे अगर क्या होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। देखिए ये जनरल कंसेप्ट आप लोग अपने से खुद से एनालिसिस करिएगा, जितना ज़्यादा आप लोग एनालिसिस करेंगे कंसेप्ट उतना ही क्रिस्टल क्लियर होगा। बात ये समझ में हम लोग को आया कि अगर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होल सर्किल बियरिंग से क्वाड्रेंटल बियरिंग में चेंज करना रहा तो अमाउंट ऑफ एंगल वही रहेगा, एज इट इज रहेगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर रहा तो 180 में से थीटा को घटा देंगे, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहा तो थीटा में से 180 डिग्री घटाएंगे, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा तो 360 में से थीटा को घटाएंगे। तो देखिए यहाँ से आपको सारे कैलकुलेशन मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि एन से ये सर्वे लाइन है, तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में लिखने का तरीका था एन से 20 डिग्री मूव 30 20 डिग्री 30 मिनट मूव करते हुए किधर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि एस से ये वाला कितना निकल के आया, 29 डिग्री 45 मिनट। इसका मतलब एस से 29 डिग्री 45 मिनट मूव करते हुए ईस्ट की ओर गया। अब यहाँ पे बात आती है
यहाँ पे ये वाला कितना आया, तो एस से ये वाला की वैल्यू आया कितना आया 30 डिग्री 30 मिनट मूव करते हुए वेस्ट की ओर गया। यहां पे कितना आया तो बोलेंगे कि एन से 29 डिग्री यानी एन से दिखाई पड़ रहा, एन से 29 डिग्री 15 मिनट मूव करते हुए वेस्ट की ओर गया। ये थी होल सर्किल बियरिंग का कन्वर्जन। किस में? तो होल सर्किल बियरिंग का कन्वर्जन क्यूबी में था। देखिए इस चीज को आप पूरा एनालिसिस कीजिएगा, आपकी कंसेप्ट पूरा क्लियर होगी। और इस कंसेप्ट को फास्ट करने के लिए अब हम लोग को एक छोटा सा 4 एग्जाम्पल देते हैं और चारों एग्जाम्पल से कन्वर्जन क्या होगी आप लोग की हो जाएगी फास्ट। ठीक है, तो इतना बड़े ढंग से आप लोग एनालिसिस करके इसको छापिएगा। तब तक हम वीडियो करते हैं पॉज, 2 एग्जाम्पल के बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले कि ये दोनों एग्जाम्पल के फिगर छापते हैं, तो फिगर छापने के बाद क्या हुआ 140 डिग्री, तो 140 डिग्री आइए 140 डिग्री, तो ये 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम हुआ यानी 140 डिग्री ये वाला वैल्यू होगा, यानी ये सर्वे लाइन है यानी 140 डिग्री है। अब बताइए 140 डिग्री ये वाला है तो हमारा ये वाला वैल्यू कितना होगा, यानी ये ब्लैक वाला वैल्यू हमको कितना मिलेगा, ये वाला वैल्यू हमको निकालना। तो बताइए 140 यानी बचा क्या इतना, यहाँ से यहाँ ये 40 डिग्री बचा होगा। अब बताइए कि 40 डिग्री यहाँ पे एस है यहाँ पे ई है, तो एस से ई की ओर जा रहा है यानी एस से 40 डिग्री ई की ओर जा रहा है। देखिए धीरे धीरे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 220 डिग्री तो 180 हो गया, 180 से 270 हो गया यानी 220 डिग्री यहाँ पे आएगा। अब बताइए कि 220 डिग्री है यहाँ पे 270 डिग्री है, यहाँ पे कितना बचा, सॉरी यहाँ पे ये वाला कितना एंगल बचा, तो देखिए कि यहाँ पे क्या करेंगे कि 220 डिग्री में से क्या करेंगे 30 डिग्री को घटा देंगे माइनस 180 डिग्री कर देंगे। अब बताइए 230 डिग्री 30 मिनट में से 180 डिग्री घटा देंगे कितना आया, जल्दी बोलिए। यहाँ से यहाँ 220 डिग्री 30 मिनट है, यहाँ से यहाँ हमको सिर्फ ये वाला पता करना है, तो ये वाला पता करने के लिए यहाँ से 180 डिग्री है, अगर ये घटा देंगे तो यही ना बचेगा। देखिए बताइए जल्दी से, फर्स्ट से बताइए कैलकुलेशन कीजिए, तो हो जाएगा 40 डिग्री 30 मिनट। देखिए चीज़ बहुत आसान है, आप लोग अब ये 40 डिग्री 30 मिनट हुआ है, अब यहाँ पे करंट एस से डब्ल्यू की ओर जा रहा है, एस से डब्ल्यू की ओर जा रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एस डब्ल्यू। देखिए बहुत ही आसान कन्वर्जन है, सिर्फ चीज़ को समझ लेना है। इस तरह से आप लोग और प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग को समझ आते रहेगा। ठीक है, अब जो हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेंटल बियरिंग टू डब्ल्यू सी बी में कन्वर्जन, क्यूबी टू डब्ल्यू सी बी कन्वर्जन लिखेंगे, बियरिंग ऑफ लाइन इन क्यूबी सिस्टम, पहला एन 30 डिग्री 30 मिनट ई, दूसरा एस 45 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, तीसरा एस 20 डिग्री 15 मिनट एस 20 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, लास्ट है एन एन 30 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। देखिए ये आपको दिया गया क्यूबी सिस्टम में, अब इसको कन्वर्ट करना है आपको होल सर्किल बियरिंग सिस्टम यानी डब्ल्यू सी बी में आपको कन्वर्ट करना है। तो बड़े आसान से बताए थे कि सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम सीख रहे होते तो कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए आप इसके इमेज को ट्रेस करने के लिए सीखेंगे, इसके इमेज को ट्रेस करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए कि एन 30 डिग्री इधर जा रहा, देखिए एन से
30 डिग्री मूव करते हुए एन से 30 डिग्री 30 मिनट, 30 डिग्री 30 मिनट मूव करते हुए आपको जाना है, और जाने के बाद क्या मिलेगा, सर्वे लाइन मिलेगा 30 डिग्री 30 मिनट। एन से ईस्ट की ओर, ये क्या होगा एस डब्ल्यू, ठीक है। इसमें बार बार एन एस सी लिखेंगे, बात समझिएगा, ऊपर वाला एन होता है, नीचे वाला एस होता है, इधर वाला ईस्ट होता है, इधर से वेस्ट होता है, ठीक है ना। अब बताइए एस से 45 डिग्री मूव करते हुए हमको किधर जाना है, ईस्ट की ओर जाना है। देखिए तो एस से 45 डिग्री 30 मिनट मूव करते हुए किधर जाना है, एस की ओर जाना है। देखिए ये एरो का रिप्रेजेंटेशन दे दीजिएगा चूंकि पता चलेगा, तो 45 डिग्री 30 मिनट, ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा डब्ल्यू, एन ई डब्ल्यू, एन एस ई डब्ल्यू। देखिए चीज़ों को समझने की आप लोग पूरा कोशिश कीजिए कि यहाँ पे एस से 20 डिग्री 15 मिनट वेस्ट की ओर जा रहा है, एस से 20 डिग्री 15 मिनट, 20 डिग्री 15 मिनट कहाँ जा रहा है, बोलिए एस से 20 डिग्री 15 मिनट कहाँ जा रहा है, वेस्ट की ओर जा रहा है, यानी ये वाला लाइन हुई और ये एंगल 20 डिग्री 15 मिनट। अगला कह रहा है कि एन से 30 डिग्री मूव करते हुए हमको वेस्ट जाना है, तो एन से 30 डिग्री 45 मिनट, 30 डिग्री 45 मिनट मूव करते हुए वेस्ट की ओर जाना है, वेस्ट की ओर जाना है, 30 डिग्री 45 मिनट मूव करते हुए कहाँ जाना है, वेस्ट की ओर जाना है, 30 डिग्री 45 मिनट। देखिए हमारा ये क्वाड्रेंटल बियरिंग का हो गया डायग्राम कंप्लीट। कम से कम कुछ आवे चाहे ना, फट फट डायग्राम आप लोग जरूर बना दीजिएगा, अगर इतना बना देते हैं तो हम समझेंगे कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ये क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में आपकी हो गई फिनिश, हमको पूछ रहा है होल सर्किल बियरिंग में, तो होल सर्किल बियरिंग में हमारे ये ब्लू लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये होल सर्किल बियरिंग, यहाँ से होल सर्किल बियरिंग ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे होल सर्किल बियरिंग ये वाला हो जाएगा, यानी यहाँ पे होल सर्किल बियरिंग ये वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि होल सर्किल बियरिंग में जब भी एंगल का रेफरेंस लेते हैं हमेशा नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमेशा नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमेशा नॉर्थ से, यानी ये वाला एंगल को निकालना है, ये वाला एंगल को निकालना है, ये वाला एंगल को निकालना है, और ये वाला एंगल को निकालना है। अब यही एंगल को निकालने के लिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगा सकते हैं, माथा लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे ये दोनों अमाउंट ऑफ एंगल तो सेम है, तो उसमें कोई तो करना ही नहीं, यानी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी होल सर्किल बियरिंग में भी हो जाएगा 30 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए हमारा ये वाला एंगल पता है और ये वाला पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर 180 डिग्री में से, अगर 180 डिग्री में से अगर ये वाला एंगल घटा देंगे, अगर 180 डिग्री में से अगर ये वाला एंगल घटा देंगे तो हमारा ये वाला भाट वाला बच जाएगा, यानी 45 डिग्री 30 मिनट अगर घटा देंगे तो जो हमारा एंगल बचेगा वो कितना बचेगा, तो 45 और 5 50 30 35, यानी 34 डिग्री 30 मिनट बचेगा, यानी ये 34 डिग्री 30, यानी 134 डिग्री 30 मिनट बचेगा ना, हाँ, यानी ये वाला आ गया आपकी 134 डिग्री 30 मिनट, यानी यहां से लिखेंगे 134 डिग्री 30 मिनट। देखिए इसका कन्वर्जन देख रहे हैं, अब इसका देखिए, यहां से यहां 20 डिग्री 15 मिनट पता है, लेकिन यहां से यहां तक पता करना है। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक 20 डिग्री 15 मिनट पता है, अगर यहाँ से यहाँ हम लोग को जानते हैं लीनियर पेयर से 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री प्लस 20 डिग्री 15 मिनट, तो बताइए तो कितना हो जाएगा, 180 और 20 200, यानी 200 डिग्री 200 डिग्री 15 मिनट हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिखाएगा 200 डिग्री 15 मिनट। एक और बच गया है, यहाँ पे देखिए ये वाला कैलकुलेट करना, हमको ये वाला कैलकुलेट करना है, ये हमको दिया गया है, तो 360 डिग्री में से अगर ये वाला घटा देंगे तो हमारा एंगल मिल जाएगा, 360 डिग्री में से अगर 30 डिग्री
45 मिनट को घटा देंगे तो हमारा ये वाला भाट वाला ब्लू कलर वाला हमको एंगल मिल जाएगा। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, यानी हो जाएगा 329 डिग्री 15 मिनट। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 329 डिग्री 15 मिनट। आप लोग सारा कैलकुलेशन काची से करिएगा, कैलकुलेटर से कीजिएगा, काची से कीजिएगा, कैलकुलेटर से कीजिएगा। देखिए यहाँ तक अभी तक जो हम लोग सीखा, ये सीखा क्वाड्रेंटल बियरिंग से होल सर्किल में, क्वाड्रेंटल बियरिंग से होल सर्किल में, क्वाड्रेंटल बियरिंग से होल सर्किल में, क्वाड्रेंटल बियरिंग से होल सर्किल में। इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट में सीखा होल सर्किल से क्वाड्रेंटल में, और अब सीखा क्वाड्रेंटल से होल सर्किल बियरिंग में। उम्मीद है ये सारे चीज को आप लोग ने पूरा एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने के बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग बुक से, और नहीं तो इसकी टेलीग्राम चैनल पर हम इसकी ऑब्जेक्टिव का हम कलेक्ट करके 5-6 क्वेश्चन दे देंगे, और उसको बनाने की पूरा कोशिश कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू होगा कि टाइप्स ऑफ बियरिंग, ठीक है ना, जिसमें रहेगा फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग, और वहाँ से न्यूमेरिकल का मेन कंसेप्ट चालू होगा।